हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, तो आज से है नवरात्रे शुरू। तो सबसे पहले हमने की है अपने मंदिर की सफाई और मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट किया है। नीचे काम चला हुआ है, वो हम अगले ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर कर देंगे कि क्या काम चल रहा है। तो उसके लिए ना हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बहुत अच्छे से करें। बस मैंने क्या किया कि मंदिर में आई, अच्छे से सफाई की। सबसे पहले ड्रॉर साफ किए, उसके बाद मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं उनको साफ किया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया। क्योंकि क्या होता है ना कि श्राद्ध चल रहे थे, तो उसके बाद जब नवरात्रे लगते हैं तो मैं अच्छे से मंदिर को साफ करके गंगा जल से सारा मंदिर साफ करती हूँ। सो दैट एक शुद्धिकरण जो है वो हो जाता है। सो जी, यहाँ पर मैंने पहला ड्रॉर तो साफ कर दिया। ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि ये हर रेगुलर बेसिस पे साफ होता रहता है, हम मंदिर को साफ करते रहते हैं। बट फिर भी क्या होता है ना कि जब नवरात्रे हो या कोई त्यौहार हो, फिर मंदिर को साफ करने में अलग ही एक होता है कि थोड़ा सा डीप क्लीनिंग हो जाए। तो ये सब था सेकेंड ड्रॉर में, ये सब था, आपने देखा होगा। मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई क्योंकि सफाई की तो क्या ही क्लिप बनाऊँ। उसके बाद जी मेरी लुक्स पे मत जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, बट फिर भी नवरात्रे चल चुके थे, करना था काम, तो मैं करने आई थी। यहाँ पर जो ये शेरावाली माता की प्रतिमा है, ये बहुत बड़ी है। देखने में ये छोटी लग रही है, अभी मुझे भी फिलहाल छोटी लग रही है, बट ये बहुत बड़ी है। मंदिर भी बहुत बड़ा है, सो दैट मेरे बैठने के उससे अकॉर्डिंग से आपको पता चल ही चुका होगा। तो मैं माता वाली जो ये प्रतिमा है, इनको हफ्ते में एक बार निकालती हूँ और क्लीन करती हूँ। तो जी ये मैंने ऑलरेडी क्लीन कर ली थी, बस क्लिप बनाना भूल गई थी। और उसके बाद मैंने इनका जो थोड़ा बहुत है श्रृंगार किया। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना हम माता जी को जो है डबल चुनरी देते हैं, दो चुनरी देते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा भी है बुक्स में और मेरे किसी बहुत खास ने बोला भी है कि माता जी के ऊपर जो देते हैं, उड़ाते हैं, वो दो चुनरी होनी चाहिए, तो वो शुभ होता है। अच्छा जी, उसके बाद जो जो मैंने जहाँ से प्रतिमाएँ उठाई थी वहीं पर क्लीन करके अच्छे से लगा दी हैं, और ऐसे मैंने थोड़ी बहुत अपने मंदिर की सफाई की है। अच्छा जी, तो अभी बारी आती है बुक्स की, जो होली बुक्स हैं, जो हमारी किताबें हैं धर्म की जो हम पढ़ते हैं उनकी, तो मैंने वो भी अच्छे से क्लीन की, माला क्लीन की और साइड में रखा इनको, क्योंकि ये भी ना रेगुलर बेसिस पे हाथ लगते रहते हैं, तो मेरे को होता है कि थोड़ा सा साफ कर दूँ। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारा ये है कि हम मंदिर के ऊपर चुनरी उड़ाते हैं ऑलवेज, तो ये था। और मैंने यहाँ पर जो मैट है उसको क्लीन करने के लिए ब्रश लिया हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया है। तो क्योंकि इस पे झाड़ू नहीं लगता यार, अगर झाड़ू लगाते हो तो डबल ही गंदा हो जाता है। अच्छा जी, तो अभी बारी आती है कलश की, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था हमारा कि हमने नवरात्रों में कलश रखा है, क्योंकि इससे पहले हमने कभी नहीं रखा। तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में हुआ तो मैंने किया। तो जी आप देख सकते हो, ऐसे मैंने रेड कपड़ा लिया, उस पर चावल लगाए, और ये जो हमारे पास लोटा था पीतल का, नया निकाला हमने कलश के लिए, और इस पर ऐसे ये शुभ लाभ बोलती हूँ मैं तो इसको, ये मैंने बनाया इसके ऊपर ऐसे करके, और फिर इसमें गंगा जल डाला, नॉर्मल जल डाला, और जो सुपारी है, एक हल्दी की गांठ है, इलायची है, ये सब डाला, और ये धूप ज़रूर डालती हूँ मैं, ये बहुत शुभ होती है। मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है वीडियोस में, तो ये तो होनी ही चाहिए, चावल होने चाहिए, सो दैट ऐसे अगर कलश को भर के रखते हैं तो बहुत शुभ होता है। अच्छा जी, उसके बाद वही आम के पत्ते होते हैं, उनके ऊपर तिलक लगाते हैं चंदन और रोली का, और ऐसे नारियल को माता की चुनरी में लपेट कर रखते हैं। तो ये हमारा कलश था, और यहाँ पर हमारे जो मंदिर है उसमें माता जी विराजमान हो चुके हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले दीपक जलाया, जो होता है ना कि भाई पूजा करनी है, और नवरात्रि का पहला दिन था, तो मैंने अच्छे से पूजा की, यहाँ पर दीपक जलाया। नॉर्मली मैं जो करती हूँ वो अलग चीज़ें होती हैं, बट नवरात्रों में मैं अलग करती हूँ। माता जी को तिलक किया यहाँ पर, तिलक करने के बाद जो मैंने यहाँ पर प्रतिमा रखी है उनको भी एक तिलक किया। मैं इसको प्रतिमा ही बोलूँगी, इसको कोई फोटो या कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे लिए तो हर जो मूर्ति है वो प्रतिमा है, उसमें भगवान का वास है। ये पैर हैं जो मैं
दो दिवाली पहले यानी 2 साल पहले मैं लेकर आई थी, तो हम इनको भी पूजते हैं। फिर मैंने कलश को तिलक किया और यहाँ से पूजा शुरू की, फल जो है वो अर्पित किए। जो भी आपकी श्रद्धा होती है वो करो आप भगवान जी। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ कि भगवान जी को ना प्यार चाहिए, श्रद्धा चाहिए, बाकी सब सही होता है। अपने मन से जैसे आपको आता है वैसे कर लो। अच्छा जी, फिर मैंने कलश की आरती की, और जिनको भी पता है कि कलश कैसे रखते हैं वो प्लीज़ बताना। अच्छा जी, उसके बाद जिया ने मुझे ज्वाइन किया। मैंने पहले भी बताया मैं जिया को ऑलवेज़ रखती हूँ, बट साफ़ सफाई में नहीं रखती साथ में, क्योंकि फिर वो चीज़ें इधर उधर करती है। तो सबसे पहले मैंने जिया को तिलक लगाया और वो सेम चीज़ें सीखती है जो हम करते हैं ना, वैसा ही करती है कि मुझे भी ये करना है। वो देखो मत्था भी वैसे ही टेक रही है। और जी, ये तो जिया का फेवरेट है, ये जो है ये घंटी ज़रूर बजाती है। और यहाँ पे जो मैंने आपको माता के पैर दिखाए थे माँ अम्बे के, उनको ये नमस्कार करती है, जो जैसे हम करती हैं सेम चीज़ें करती है। अभी ये वही चीज़ें बोल रही होगी कि माता सुख रखना और सबको ठीक रखना, ये वही चीज़ें बोलती है। अच्छा जी, तो इसने जैसे मुझे देखा वही चीज़ रिपीट की, इसने मेरे बाद से एकदम से कलश पे गई और वहाँ से जो शुभ लाभ बनाया था वो तिलक अपने मत्थे पर लगाया। बड़ी प्यारी लगती है चीज़ें करती हुई। बस जी, ऐसे हमारा जो था वो नवरात्रि का पहला दिन था और यहीं लेट गई है। ये बहुत मस्तियाँ करती है छोटी सी नटखट सी गुड़िया। बच जाए तो कर दो, उधर भी कर दो माता रानी को। गुड गर्ल, चलो। अच्छा जी, इसके बाद मम्मी ने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने अपनी पूजा की, नवरात्रि की पहली पूजा की। तो जी, ऐसे हमने अपने मंदिर को थोड़ा सा सजाया था। मैंने सोचा कि क्लिप तो आपको मैंने दिखाई नहीं, तो ऐसे सजाया था। होपफुली आप सबको पसंद आया हो। हमने तो बहुत इन्जॉय किया और मुझे बहुत पसंद आया। जो भी करो मन से करो, श्रद्धा से करो, सब स्वीकार है भगवान को। तो जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। थैंक यू।